छह माह से करता रहा नाबालिग का यौन शोषण, गर्भवती होने पर पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी युवक को कोडरमा घाटी जंगल से किया गिरफ्तार। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। पकरी ब्रावा। पकरी ब्रावा के एक गांव में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पकरी ब्रावा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए पकरी ब्रावा थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दिनांक 8 जून 2024 को एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण की लिखित शिकायत मिली। वादी ने आवेदन के माध्यम से बताया कि जूरी गांव के शीतल यादव के पुत्र शिवनंदन यादव और चूतरा के द्वारा बीते 6 माह से उसके नाबालिग व विक्षिप्त नतनी के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। जब इस बात को लेकर वादी लड़के के घर गए तो गाली गलौज करते हुए भगा दिया गया। इसके बाद वादी द्वारा थाना को आवेदन दिया, जहां दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पकरी ब्रावा थाना कांड संख्या 246/24 दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वयं के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर ज्योरी में छापेमारी की गई, जहां से आरोपी फरार मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर उसे कोडरमा घाटी के जंगल से गिरफ्तार किया गया। थाना परिसर में पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।